को आप कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई मैं सिविल सर्विसेज भी एक अच्छा ऑप्शन। और इत्तेफाक की बात थी कि मैं नौकरी ज्वाइन कर लिया था उसके बाद आने के बाद, लेकिन फिर भी मेरे साथ के कुछ लोग थे जो इसकी तैयारी करते थे, तो तैयारी करने लगे। तो हम भी सैटरडे संडे जैसे आप लोग, कुछ लोग ऐसा भी होंगे आप लोगों में से कि जो बिल्कुल अपना मन नहीं बनाए होंगे, लेकिन बस ऐसे ही कि चलो कुछ ठीक लग रहा है या कोई साथ का आ रहा है तो मैं भी आ जाता हूँ। उस स्टेज पर मैं इस समय पर था, तो ऐसे ही बैठा था तो अच्छा लगने लगा। जो लोग पढ़ाते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी, पढ़ने में तो मज़ा ही आता है तो अच्छा लगने लगा, तो अच्छा लगने लगा तो इंटरेस्ट हो गया। करीब एक प्रीलिम एग्जाम दे रहे थे, तो उससे पहले जो मेरा टीचर था उसने बोल दिया कि देखो इसको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो, कम से कम प्रीलिम तुम्हारा पास मिल जाएगा। उसको मैंने बिल पे ले लिया, मतलब ऐसे बोल दिया प्लस कम से कम प्रीलिम तो पास हो जाएगा, तो अपन तो चाहे तो पूरा कर सकते, तो ऐसा सोच के उसको चैलेंज के रूप में लेके उसको पढ़ा अच्छे से हो गया। तो कहने का उद्देश्य ये है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, और अगर आप ये सोचना चाहें कि कई लोग बोलते हैं कि समाज सेवा या देश की सेवा करूंगा मैं आईएएस बनूं, तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस बनके ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा आप कई रूप में कर सकते हैं, आप कुछ नहीं तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको अगर आप पूरी निष्ठा से करें, अच्छे नागरिक के रूप में तो भी आप बहुत बड़ी देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर बात है कि आईएएस से डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ता है देश के डेवलपमेंट में, या कल को आप जिस तरह के निर्णय ले पाएंगे अपने देश को दिशा देने के लिए, वो एक अलग ही लेवल का है। तो अगर आईएएस सुनते हैं आप ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप अपने किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप जर्नलिस्ट बने तो सबसे अच्छे पत्रकार बने, लॉयर बने तो सबसे अच्छे लॉयर बने, देखें कि कैसे लोगों को जस्टिस मिल सके, वो आप पे जो डिसीजन है। देखिए आईएएस भी ऐसा नहीं कि आईएएस बनकर भगवान हो गए, आईएएस भी हर तरह के होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं पूरी क्षमता से अपने लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, 10 तरह की और चीज़ें करते हैं जिससे पूरी सर्विस की बदनामी होती है। हर तरह के आईएएस होते हैं, वैसे ही हर तरह के जर्नलिस्ट भी होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो कुछ नहीं चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा होता है जो कुछ अच्छी विजनरी सोच लेते हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज लाते हैं जिससे कि लोगों का भला हो। किस टाइप के आप लॉयर बनते हैं, किस टाइप के आप जर्नलिस्ट बनते हैं, उस पर डिपेंड करता है देश का करना डिपेंड करें, और बाकी आपका खुद का टेस्ट क्या है, आप क्या खुद करना चाहते हैं, क्या जज्बा रखते हैं उसके।